ऐसी कोई बिग टिकट आइटम नहीं है आपने आपके मैनिफेस्टो में आ, एक कंटिन्यूएशन है मतलब कि एक विजन डॉक्यूमेंट है लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस है लेकिन जैसे कि नौकरियों के बारे में आपने कोई नंबर नहीं दिया कि मैं वन मिलियन जॉब्स या टू मिलियन जॉब्स या टेन मिलियन जॉब्स ऐसे कोई एक नंबर नहीं है आपके एक्चुअली जॉब uh, के लिए कोई नंबर नहीं दे सकता जो लोग नंबर देते हैं नंबर वह कभी भी सही नहीं उतरता है यदि हम हमारी इकोनॉमी में बूम आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तेजी के साथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का काम तेजी के साथ हो रहा है तो यह सब सारी चीजें जो चल रही हैं तो स्वाभाविक रूप से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी ही होंगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत पांच वर्षों में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं आजाद भारत के इतिहास में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं क्रिएट हुई है आपने कहा कि नंबर जो है उस पर कभी अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि नंबर जो है मतलब जैसे आपने कहा कि एक सॉफ्ट बात होती है क्या यह एक लर्निंग एक्सपीरियंस है आपने जब पहले कहा था आपकी पार्टी ने 2014 से पहले की 15 लाख रुपए आएंगे ब्लैक मनी आएगा बिल्कुल नहीं कहा था पंद्रह लाख रुपए आएंगे ये कभी नहीं कहा था स्पीचेस ब्लैक ब्लैक मनी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे ये बात कही गई थी और ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पहली हमारी जो कैबिनेट हुई थी गवर्नमेंट बनने के बाद तो आप समझिए कि एस बनाने का काम ब्लैक मनी के मुद्दे पर तो हमारी गवर्नमेंट ने किया